नर्मदा नदी में अवैध नावों के संचालन के विरुद्ध लाम बंद हुए ओंकारेश्वर नाविक संघ ने बुधवार को नौका चालन बंद कर विरोध जताया। नाविक संघ के अध्यक्ष भोलाराम केवट ने बताया कि ओंकारेश्वर में कई नावें अवैध रूप से चल रही है, जिन्हें बंद किए जाने की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे अवैध नावों के संचालकों की गलतियों का खामियाजा वैध नाविकों को चुकाना पड़ता है। इस सिलसिले में सोमवार को कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया। बुधवार को विरोध स्वरूप नावों का संचालन बंद कर नाविक संघ ने आपसी मीटिंग ली, जिसके बाद जुलूस के रूप में सीएमओ नगर परिषद से मिले और अवैध नावों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु समय सीमा तय करने की मांग की तथा कहा कि नावों के पंजीयन एवं चालकों के लाइसेंस नाविक संघ की सहमति के बाद ही दिए जाए। इस पर सीएमओ ने दो दिन में टीआई नायब तहसीलदार के साथ टीम बनाकर कार्रवाई करने का समय दिया। हमारा ये विषय था कि ओंकारेश्वर में चलने वाली अवैध नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए श्रीमान सीएमओ मैडम से हमने 25/10 को मुलाकात की थी और ज्ञापन दिया था। इस विषय पर हमने सीएमओ साहब से चर्चा की थी और वो कार्रवाई ना होते हुए हमने पुनः फिर कार्रवाई के लिए श्रीमान जिलाधीश महोदय से 22/11 को पुनः मिले और श्रीमान जिलाधीश महोदय से हमने आग्रह किया कि साहब इस संदर्भ में पुनः कार्रवाई करने के लिए श्रीमान आदेश करें। तो इस संबंध में आज हमने पूर्णतः नाव का संचालन बंद करते हुए आज नगर परिषद में सीएमओ साहब से पुनः चर्चा की, इन विषयों पे बात की कि अवैध नावों का संचालन कितने दिन में आप प्रतिबंधित कर देंगे। इस संदर्भ में सीएमओ साहब ने हमें अभी दो दिन का समय अवधि मांगी है, जो टीम बनाने के लिए उन्होंने कहा है। इस संबंध में सीएमओ मोनिका पारधी ने बताया कि नाविक संघ के प्रतिनिधिमंडल की मांग के अनुसार टीम बनाकर जांच पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।